बिस्मिल्लाहिर्रहमान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो हाँ, तो भाई लोग कैसे हैं यार? आई होप सब खैरियत से होंगे। तो आ चुके हैं फिर एक ब्रांड और न्यू वीडियो के साथ आप दोस्तों की खिदमत में। तो गाइस, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे पैटर्न बताएंगे जिनकी मदद से आप पीसी पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो और उनको एडिट भी कर सकते हो। यानी सिंपल तरीका बताऊंगा, इतना मुश्किल नहीं है, बस आपने वीडियो को लास्ट तक लाजमी वॉच करना है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं अपनी पीसी की स्क्रीन पे। तो गाइस, आ चुके हैं हम अपनी पीसी की स्क्रीन पे। पीसी स्क्रीन पे आने के बाद सबसे फर्स्ट में हमारे पास जो ट्रिक आ जाती है स्क्रीनशॉट लेने की, उसमें हमने क्या करना है, उसमें हमने कीबोर्ड से प्रेस करना है ये वाला बटन। जैसे हम ये वाला बटन प्रेस करते हैं, तो प्रेस करने के बाद गाइज हमने क्या करना है, सिंपली हमने जाना है सर्चिंग टूल में। सर्चिंग टूल में जाकर इधर हमने लिखना है पेंट। जैसे हम पेंट के बटन को प्रेस करते हैं, इधर इसको ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद ये पेस्ट का निशान नजर आया, इधर से हमने इसको पेस्ट कर दिया। तो ये वाला स्क्रीनशॉट हमारे पास आ चुका है जो हमने अभी लिया है। तो ये स्क्रीनशॉट आ गया। बस अभी सिंपली हम इसको अगर 3D में कोई चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं इसके अंदर, तो भी हम इसके अंदर कर सकते हैं। हमने सिंपली किया एडिट विद पेंट 3D और इसको डोंट सेव किया। जैसे हम इसको डोंट सेव करते हैं, तो ये हमारे पास इस तरह का कुछ ओपन हो चुका है, इस तरह का ओपन हो चुका है फ्रेम। अभी सिंपली हम इस पर कुछ एडिट करते हैं 3D चीज़ें। 3D के लिए सिंपली ये 3D शेप आया, 3D शेप भी आए और ये मुख्तलिफ शेप्स हैं हमारे पास जो हम इधर ऐड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो जैसे फर्ज अगर अभी मैं ये वाली शेप ही ऐड करता हूँ, कुछ ही शेप ऐड कर लेता हूँ यार, तो एक ये वाली कर ली और उसके अलावा हम सिंपली कुछ और भी कर सकते थे अगर करना चाह रहे हैं, लेकिन एक ये कर लेता हूँ। तो ये चेक करो, ये 3D शेप हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, इसको भी जिस तरह आपका दिल है वो कर सकते हो। ये चेक करो, ये 3D शेप है। ठीक है, अभी सिंपली हमने इस पर कोई टेक्स्ट वगैरह ऐड करना है वो भी कर सकते हैं, कुछ भी ऐड करना हो तो कर सकते हैं। ये 3D शेप हमारे पास आ चुकी है। तो गाइस, अभी आपको ये बताता हूँ कि इसको आपने सेव करना है। सेव कैसे करना है, सेव करने का तरीका बिल्कुल ही आसान है। तो अगर हम इसको इधर से क्रॉस करते हैं तो भी हम ये सेव का निशान देख सकते हैं, इधर से हम इसको सेव कर सकते हैं। अगर इधर से नहीं करना चाह रहे तो भी हम इसको कर सकते हैं कॉपी करके, लेकिन इधर से कर लो बेहतर है यार। तो नंबर वन पर हमारे पास ये थी। अभी जो नंबर सेकेंड भी हमारे पास आ जाते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। वो आपने कीबोर्ड से प्रेस करना है विंडो और साथ में ये वाला बटन। जैसे आपने ये वाला बटन प्रेस किया तो ये चेक कर सकते हो, स्क्रीनशॉट हो गया। ये आपको मिलेगा किधर यार, ये आपको मिलेगा सिंपली स्टार्ट पे आए और इधर हमने लिखा पिक्चर। जैसे हम पिक्चर पे आते हैं ना गाइस, इसको हमने करते हैं ओपन। ओपन करने के बाद ये चेक कर सकते हो, हमारे पास स्क्रीनशॉट आ गया जो अभी हमने लिया अभी। ये टाइम नोट कर लो, अभी लिया बिल्कुल। तो ये भी बिल्कुल आसान तरीका है, इधर से भी आप इसको कुछ भी करना हो तो कर सकते हैं। तो गाइस, अभी चलते हैं हम अपने नंबर 3 वाले टूल की तरफ। नंबर 3 पे हमने क्या करना है, हमने आना सर्चिंग वाले बटन पे। सर्चिंग वाले बटन पे आके इधर हमने लिखना है स्नाइपर टूल्स। ठीक है, स्नाइपर टूल पे आए, इसको हमने सिंपली किया ओपन। ये वाले पेज आपके सामने आएगा, इधर से हम मोड पर क्लिक करते हैं। मोड पे क्लिक करने के बाद ये रेक्टेंगुलर स्नाइप, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं ना, तो ये चीज़ आपके सामने आ जाएगी। अभी हमने सिंपली क्या करना है, सिंपली हमने जिधर से जितनी चीज़ हमें चाहिए ना वो सिर्फ हमने पकड़नी है। जैसे अभी मुझे ये चाहिए सिर्फ ये चीज़ इधर से इतनी। ठीक है, सिंपली हम क्या करते हैं, इधर इसको छोड़ देते हैं, तो ये हमारे पास इसके अंदर ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। इसको फुल करते हैं। फुल करने के बाद गाइस हमने क्या करना है, फुल करते हैं। फुल करने के बाद हमने इसको एडिट कैसे करना है, एडिट करने के लिए हमारे पास ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ठीक है, पेंसिल है, इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा शेप हैं। मतलब इस पे अगर आपको चीज़ वगैरह ड्रा करना चाह रहे हो, ये चेक करो, कलर वगैरह देना चाह रहे हो इसको, ठीक है, तो भी कर सकते हो, हाईलाइट वगैरह। और इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा हैं यार, ये चेक करो, पेन, रेड पेन, ब्लू पेन, कस्टम पेन है। ठीक है, जो आपका दिल हो, यानी आप इधर से इसको ऐड कर सकते हो। और सिंपली सब कुछ करने के बाद आपने सेव इसको कैसे करना है, सेव करने के लिए ये हमारे पास आ चुका है ना सेव स्नाइप। इधर से आपने इसको कर देना है, जिधर भी आपने सेव करना है ऐसे ही ओपन करके फोल्डर। जैसे अभी मैं इधर ही सेव कर देता हूँ, तो ये सेव किया, ये सिंपली हमारे पास आ चुके हैं। तो गाइस, उम्मीद है कि आपको आज की हमारी वीडियो लाजमी पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक के बटन प्रेस कर दो, साथ में एक अच्छा सा कमेंट करके अपनी राय का आगाज लाजमी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।